Namaom Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswat Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavade Paschade Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yam Bhisma Slok se chalo Yam Manyase Matuleyam Yam Manyase Matuleyam Priyam Mitram Suhirtamam Akaroho Sachivam Dutam Sahrida Datha Sarathim Sarvat Manah Samadrisho Yadvayasya naham krithe Tatkritam mati vaishamyam Nirvadyasya nakvachit Tathapi kant bhaktesu Vasya bhupanukampitam Janmesum stejatah sakshat Krishna darshanam agatah Bhaktya vesya mano yasmin Vacha jannam kirtayan Tyajan kalevaram yogi Muchyate kama karma bhi Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Sadeva Devo Bhagavan Pratikshatam Kalevaram Javadidam Hinanmiham Prasannahasa Runalochana Lasan Mukham bujo dhyan pathas chatur bhujaha Yam manyase matuleyam Priyam mitram suhirtamam Akaroho sachivam dutam Sahrida datha sarathim Yam jinko manyase tum mante ho matuleyam matul ka putra mama ka putra priyam apne prem ka vishay mitram aur jo tumse prem karte hain सुहित तमाम बिना प्रतिउपकार की अपेक्षा से उपकार करने वाला अकरोह किया है सचिवां मंत्री दूतां संदेश वाहक स्वहृदात अति विश्वास से
अथ यहाँ तक कि सारथीं तुमने सारथी बनाया। हे महाराज, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। हे राजन, जिन श्री कृष्ण को तुम अपने मामा का पुत्र समझते हो, वसुदेव जी का पुत्र समझते हो, और जिनसे तुम प्रेम करते हो और जो तुमसे प्रेम करते हैं, और बिना प्रत्युपकार की अपेक्षा से तुम्हारा उपकार करते रहते हैं, यहाँ तक कि तुमने अति विश्वास से, स्नेह से जिनको अपना मंत्री बनाया, और यहाँ तक कि चिट्ठी ढोने वाला दूत बनाया, और अतिशय सौहार्दवश जिनको तुमने सारथी तक बनाया, ये साक्षात भगवान हैं, परब्रह्म हैं। इसके पहले भीष्म पितामह यह कहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक प्रभाव को और अनुभव को वास्तव में भगवान शिव जानते हैं और देवर्षि नारद जी जानते हैं तथा भगवान कपिल देव जानते हैं। अन्य लोगों को भगवान के अनुभव का पता नहीं है। अनुभव का अर्थ कल किया गया था, भाव और अनु दो शब्द है, तो भाव के पीछे जो विकार मन में होता है या शरीर में, वाणी में, उसको अनुभव कहते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रति महाराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि ये जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, परंतु फिर भी कृष्ण के साथ इनका संबंध है। तो उस संबंध के भावना के अनुसार श्री कृष्ण में संबंध के कारण जो भाव है वही उदित होता है। ये ईश्वर हैं यह भाव भूल जाता है। जैसे ब्रजवासियों का तो पूर्ण ही भाव भुला रहता है, तो श्री कृष्ण को अपने प्रिय समझते हैं। तो द्वारका के जो परिकर हैं, जिनमें पांचों पांडव हैं, वास्तव में द्वारका के परिकर माने जाते हैं। भगवान की दो प्रकार की मुख्य लीलाएं हैं, ब्रज में और मथुरा वृंदावन में। तो मथुरा वृंदावन, वृंदावन और मथुरा द्वारका, तो द्वारका के जो परिकर हैं वे श्री कृष्ण को अपने संबंध के अनुसार मानते हैं, और यही प्रबल रहता है। जैसे वसुदेव जी मानते हैं कि हमारा पुत्र है, माता देव की हमेशा इसी भाव में रहती हैं कि हमारा पुत्र है, श्री बलराम जी इस भाव में रहते हैं कि हमारे भाई हैं, और भी जो भगवान के पुत्र हैं वे समझते हैं कि ये हमारे पिता हैं। भगवान की पत्नियां समझती हैं कि हमारे प्रियतम पति देव हैं। तो अपने अपने भावों के अनुसार वे श्री कृष्ण को मानते हैं, सेवा करते हैं अपने अपने संबंध के अनुसार। तो संबंध है प्रबल रहता है। इसी को व्यक्त कर रहे हैं कि यदि तुम लोग भी कृष्ण के अनुभव को जानते हो, कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने संबंधियों से, अपने प्रेमियों से, इस बात को युधिष्ठिर तुम लोग भी जानते हो, परंतु तुम लोगों का जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति, वह भाव है बड़े बड़े महत्पुरुषों को भी प्राप्त नहीं है। तो उसमें श्रीपद जीव गोस्वामी तीनों का नाम रख रहे हैं, भगवान शिव और मुख्य रूप से दो का, भगवान शिव और ब्रह्मा जी, नारद जी। इन लोगों को भगवान के अनुभव का पता है, ज्ञान है, परंतु युधिष्ठिर महाराज का जो भाव है, जितना उनको अनुभव है श्री कृष्ण के विषय में, श्री कृष्ण भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इतना इनको भी ज्ञान नहीं है जितना युधिष्ठिर को ज्ञान है।
तो श्री कृष्ण के उसी व्यवहार के चलते, संबंध के चलते ये श्री कृष्ण को ऐसा मानते हैं कि ये हमारे मित्र हैं। मित्र का यहाँ अर्थ है प्रियम, प्रियम मित्र से अलग, मित्र प्रियम का अर्थ है कि श्री कृष्ण हमारे प्रेम के विषय हैं, आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये युधिष्ठिर ये भीष्म पितामह कहते हैं, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसको प्रिय कहते हैं। तो आपका प्रेम कृष्ण से है और कृष्ण का प्रेम आपसे है, आप मतलब समस्त पांडवों से, पांडव परिवार से मित्र, प्रियम और मित्र ये दो संबंध है। मित्र का अर्थ जो आपको अपना प्रिय मान रहा है, तो श्री कृष्ण आपको अपना प्रिय मानते हैं, आप श्री कृष्ण को प्रिय मानते हैं, और इसके साथ ही साथ सुहृत्तम, श्री कृष्ण को आप मानते हैं कि हमारा सहज हित करने वाला, उपकार करने वाला कृष्ण हैं, बिना किसी उपकार की अपेक्षा की कामना से। इस संसार में माता पिता का जो प्रेम है वह इस तरह से परोपकार की अपेक्षा से नहीं होता है कि ये हमारा लड़का उपकार करेगा, ये करेगा। यद्यपि संसार में माता पिता में भी थोड़ी सी ये बात रहती है कि बेटा जब सयाना होगा तो हमारे बुढ़ौती में काम आएगा, हमारा परवरिश करेगा, हमारा पालन करेगा, हमारे देख रेख करेगा, ये आकांक्षा रहती है, लेकिन फिर भी माता पिता के प्रेम में यह इतना प्रबल नहीं रहता है। बच्चा यदि उपकार करे ठीक है, ना करे फिर भी बच्चे के प्रति सहज स्नेह उनका होता है, ये देखा गया। तो श्री कृष्ण का इस तरह से स्नेह पांडवों के प्रति था, कभी उपकार की अपेक्षा नहीं करते थे कि हमारे उपकार का बदला चुकाएंगे, हित करते थे। तो महाराज युधिष्ठिर भी इन्हीं सब व्यवहार के चलते श्री कृष्ण को अपना मानते थे, अपने प्रीति का विषय, और वे हमसे प्रीति करते हैं। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को अकरोह सचिवम, अकरोह माने कृतवान असि, आपने कृष्ण को अपना सचिव बनाया, मंत्री बनाया, किसी विषय में बैठ करके परामर्श लेना देना। जिनके सचिव श्री कृष्ण होते थे वो क्या करना चाहिए। विराट नगर में पांडवों की एक मीटिंग हुई जिसमें श्री बलराम जी आए थे और सात्यकी थे, भगवान कृष्ण थे, पांडव वनवास की अवधि पूरी कर चुके थे, यहाँ तक कि अज्ञातवास की एक वर्ष की अवधि भी पूरी कर चुके थे। तो अब क्या करना चाहिए, तो उस सभा में भगवान कृष्ण आए थे, अपने भक्तों से मिल रहे थे, विचार होने लगा क्या करना चाहिए। अब तो कौरवों से अपना राज्य मांगना चाहिए, हम लोग सब शर्त पूरा कर चुके, वनवास पूरा कर चुके, सब कुछ पूरा कर चुके, क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े शालीन व्यक्ति हैं, बड़े भाई के सामने वे क्यों बोले, वे चुप रहे, बिल्कुल उन्होंने संकेत किया कि भैया जो कहेंगे वही करना चाहिए। तो श्री बलराम जी ने कहा कि श्री कृष्ण तुम बोलने में सबसे पटु हो, विद्वान हो, किस स्थान पर किस काल में क्या बोलना चाहिए तुम जानते हो, इसलिए तुमको ही जाना चाहिए हस्तिनापुर, कौरवों से कहना चाहिए कि पांडवों को राज दे दिया जाए, तुम सब तरह से दक्ष हो। महाभारत में वर्णन है कि श्री बलराम जी भगवान कृष्ण के गुण गाते हैं, तुम्हें अद्भुत प्रतिभा है, तुम ही जाओ संधिदूत बनकर, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जाएंगे, कहते देखो हमें किसी के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं, अगर वे हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर सबका विनाश कर दूंगा, इसलिए हमें मत भेजो, तुम शांति करा सकते हो तुम जाओ।
भगवान वहाँ और परामर्श देते हैं, ऐसे ऐसे कैसे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण मंत्री का काम करते थे, अपने आप सौहार्दवश, सौहार्द अर्थ सौहृदार्थ सचिव और दूतम। यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अपना संदेश वाहक दूत बनाने में भी नहीं हिचके कि ये पत्र लेकर के जाओ कौरवों के पास और उनको समझा देना, हमारा राज्य तुम मांगो। और श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के संदेश को लेकर के गए हस्तिनापुर। वे अपने को मानते थे कि मैं युधिष्ठिर का सेवक हूँ, युधिष्ठिर हमारे बड़े भाई हैं, हमारे फूफा के लड़के हैं पांडु महाराज के, और उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, और धर्म में भी सब प्रकार के आचरण में भी बड़े थे युधिष्ठिर महाराज। तो उनको ये प्रणाम करते थे चरण छू करके, अर्जुन से हृदय से मिलते थे, भीमसेन से भी हृदय से मिलते थे, और युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, और युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद देते थे, सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। तो इसी तरह द्वारका में विराजमान रहो, तुम्हें सफलता मिले, इत्यादि आशीर्वाद देते थे। तो श्री कृष्ण को इन्होंने दूत बनाया और भगवान अद्भुत दूत बने और गए, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण इन पांडवों की सेवा में सारथी तक बन गए, रथ चालक बने। पर युधिष्ठिर चाहे श्री कृष्ण जो कुछ भी बने, पर किसी भी दशा में ये भगवान हैं, स्वयं भगवान। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इन्हें पहचानने की कोशिश करो, पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे तुमने इनको बहुत कामों में लगाया, तो ये इनकी इच्छा है, इसी में इनको आनंद है, सुख है, ये बहुत अच्छा है, पर राजन अब तुम इनका आदेश मानो, ये जो कहते हैं वही करो, तुम्हें राज्य करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि महाराज युधिष्ठिर कृष्ण को मानते हैं कि ये हमारे मामा के पुत्र हैं, हमारे दूत हैं, सारथी हैं, चाहे हमारे ये संबंधी हैं, तो क्या भगवान होकर के भी, परब्रह्म होकर के भी श्री कृष्ण भी ये मानते हैं कि ये मैं इनका, इनके मामा का लड़का हूँ? क्या श्री कृष्ण के मन में भी ऐसा होता है कि मैं किसी का भाई हूँ? भाई जीव तो ऐसा सोच सकता है, भगवान के प्रति संबंध मान सकता है कि श्री कृष्ण हमारे ये हैं, हमारे है। क्या भगवान के भी मन में होता है कि मैं किसी का दूत हूँ, किसी का सखा हूँ, किसी के मामा का लड़का हूँ, ये हूँ? अच्छा, और भगवान होकर के भी ये नीच काम क्यों करते हैं? दूत क्यों बने और सारथी क्यों बने? भगवान जो ब्रह्मा जी का भी, शिव जी का भी पूज्य है, सर्वेश्वरेश्वर है, ऐसे पुरुष क्यों मानेगा? ऐसे नीच कर्म क्यों किए भगवान? छोटा काम क्यों किए? ये ड्राइवरी का काम छोटा काम है, अमेरिका में तो सभी ड्राइवर हैं, अपने ड्राइवर अपने ही हैं, वहाँ कोई किसी का ड्राइवर नहीं है। मैं देखा था एक, अब इस बात पर कह देता हूँ, वो प्रभुपाद जी का शिष्य अम्बरीश दास, वो खोल्ड कंपनी का एक शेयर उसके दादा थे, खोल्ड कंपनी है ना कार बनाने, ट्रक बनाने। एक बार वो आए भेंट करने के लिए, हम रुके हुए थे एक जगह अलाछुआ में, तो आए तो प्रसाद का टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि अम्बरीश प्रभु प्रसाद ले लीजिए। तो आए अपनी पत्नी के साथ, प्रसाद के लिए बैठे, तो मुझे याद आया ड्राइवर को बुलाइए, ड्राइवर को बुलाइए, आपका ड्राइवर। कोई कौन ड्राइवर? आपका ड्राइवर।
नहीं मैं ड्राइवर नहीं रखा, वो कहे ड्राइवर नहीं रखा, अब स्वयं गाड़ी चला कर आए हैं। हाँ मैं स्वयं चलाता। तो वो एक कंपनी के मालिक हैं, कार के कंपनी, लेकिन उनके पास ड्राइवर नहीं है। तो वहाँ की बात दूसरी है, लेकिन भारतवर्ष में इतने लोग सुनते हैं कि साधारण व्यक्ति भी एक ड्राइवर रखता है, मालिक आराम से बैठ कर चलता है ना, प्रायः देखा जाता है। पर समस्त विश्व के ईश्वर श्री भगवान ब्रह्मा शिवादि जिनके चरणों के दास हैं, वे प्रभु अर्जुन के सारथी का काम किए। और सारथी का काम किए तो परफेक्ट, घोड़ों को खिलाना और घोड़ों को सहलाना, सजाना, रथ में जोतना, रथ जोत करके अर्जुन के पास वे लाते थे रथ को, और रथ से उतर जाते थे अर्जुन का स्वागत करने के लिए, और फिर चढ़ करके अर्जुन को चढ़ाते थे हाथ पकड़ करके, नीचे से अर्जुन चढ़ते थे हाथ पकड़ कर चढ़ाते थे। अर्जुन जब बैठ जाते थे तब भगवान बैठते थे, क्योंकि रथी प्रधान है। और उतरते समय वे पहले उतर जाते थे रथ से, और अर्जुन का हाथ पकड़ कर ऐसे उतारते थे, सेवक की भांति भगवान व्यवहार करते थे। अर्जुन को स्वीकार करते थे, उनको अच्छा लगता था, यह इस भावना से नहीं कि वास्तव में हमारे सेवक हो गए, लेकिन वे जानते थे अनुभव को कृष्ण इसी में प्रसन्न रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता था। वे कभी नहीं देखते थे कि घोड़ों को बाण लगा है तो उनको मलहम लगाना है, उनकी दवा करनी है, उनको खिलाना है पिलाना है, कभी नहीं, ये श्री कृष्ण ही करते थे। और अर्जुन केवल रथ पर चढ़ते थे, युद्ध करते थे। इस दशा में भी अर्जुन वास्तव में भगवान के ही आज्ञाकारी हैं, पर इस तरह महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आपने सौहार्द बस जिनको सारथी बनाया, ये कोई भी कार्य करे इनके लिए यह काम करने लायक है या नहीं करने लायक है ऐसा भेद नहीं है। श्री कृष्ण में यह मति वैषम्य में नहीं है, उसी को आगे व्यक्त कर रहे हैं। सर्वात्मन समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यं निर्वद्यस्य न क्वचित्। श्री कृष्ण में यह मति वैषम्य नहीं है, यह सारथी का काम नीचा है और राजसूय सभा में अग्र पूजा लेना यह बड़ा काम है, इस प्रकार के मति वैषम्य मन में भिन्नता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वात्मा है। पहला गुण है भगवान का सर्वात्मा, सर्वेषु आत्मा, जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूँ, भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में, समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम अपने हृदय के अलावा दूसरे में भी हैं? हम लोग कभी ऐसा नहीं कह सकते। अपने हृदय का तो पता ही नहीं है, दूसरे के हृदय में रह करके और स्मृति ज्ञान आदि देना है कहाँ से हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण सबके हृदय में, वे छोटे से छोटे व्यक्ति के हृदय में हैं, सूक्ष्म जीव के हृदय में हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में हैं, भगवान शिव के हृदय में हैं, और उन्हीं से ज्ञान विस्मृति स्मृति सब कुछ होता रहता है, वही देते हैं हृदय में रहकर। सर्वात्मन सभी प्राणियों के हृदय में हैं, अतः उनमें विषमता कैसे हो सकती है? यदि भगवान देवताओं के हृदय में रहते और मनुष्य या सुअर आदि के हृदय में कहते नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये भगवान की विशेषता देखिए, भी छोटे छोटे जीवों के हृदय में, कीट पतंग के हृदय में हैं, उनको चालित कर रहे हैं, और ब्रह्मादि देवताओं के भी हृदय में हैं, सब जगह हैं। तो उनमें ये भेद बुद्धि होती ही नहीं है कि यह छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये काम है। अच्छा, और इस कारण से समदृश
विषमदर्शी हैं, सबको एक भाव से देखते हैं। जैसे हम लोग अपने अंगों में विषम दृष्टि नहीं कर सकते, कभी नहीं सोचते हैं कि ये हाथ है हमारा नहीं है, ये पैर नहीं है, ये अंग हमारा है ये नहीं है। सभी अंगों में समान ममता है, सबको सम दृष्टि से देख रहे हैं, है कि नहीं? सभी अंगों में किसी में ये बुद्धि नहीं होती है कि ये अंग हमारा नहीं है, ये अंग हमारा है। तो समदर्शी इसको कहते हैं, श्री कृष्ण सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे भगवान सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, बादल वर्षा करता है तो सभी के खेत में वर्षा करता है, वो भेद बुद्धि नहीं करता है। परमात्मा होने से, श्री भगवान होने से श्री कृष्ण सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज के प्रति, अर्जुन के प्रति जो भगवान का भाव था, जो दृष्टि थी, वही दृष्टि दुर्योधन के प्रति भी है। ये उनकी लीलाओं से व्यक्त होता है, सबके प्रति समदर्शी है, क्योंकि ही अद्वयस्य, वो अद्वय हैं, उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। इस संसार में जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वो श्री कृष्ण की ही शक्ति का वैभव है। कोई उनकी बहिरंगा शक्ति है, कोई उनकी अंतरंगा शक्ति है, जीव शक्ति है, उनसे पृथक कुछ है नहीं। बहिरंगा शक्ति ही परिणत होकर के जगत के रूप में है, शक्ति और शक्तिमान में अभेद भी है। तो इस दृष्टि से श्री कृष्ण अद्वय हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। समस्त प्राणियों के रूप में या पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, जो कुछ भी है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये मेरी भिन्ना प्रकृति, मेरी प्रकृति है। कौन ऐसी वस्तु है जिसको कृष्ण से स्वतंत्र कहा जाए, कृष्ण से अलग है? नहीं अलग है। जैसे सूर्य की किरणें कभी सूर्य से अलग नहीं हैं, उनको अलग किया नहीं जा सकता है। सूर्य मान लीजिए डूबने वाला हो, तो कोई शक्ति मनुष्यों में है जो सूर्य की किरणों को रख ले दुनिया में? सूर्य डूबेगा तो प्रकाश की जरूरत है, इसलिए सूर्य किरणों को चारों तरफ से काट करके रख लिया जाए। कोई ऐसा कर सकता है? सूर्य जाएगा, किरणें चली जाएंगी, सूर्य आएगा, किरणें उपस्थित। इसको अविच्छेद्य संबंध कहते हैं, जो काटा नहीं जा सकता। किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं बिना कृष्ण के, क्योंकि वो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण पर डिपेंड है। इसलिए कृष्ण को अद्वय कहा जाता है, वो दो नहीं है, उनसे भिन्न कुछ है नहीं। तो फिर विषम बुद्धि कैसे होगी? और अनहम कृते, उनमें अहंकार नहीं है, यह भाव नहीं है कि यह व्यक्ति हमारे मामा का लड़का है और यह व्यक्ति पराया है, यह हमारा है, यह हमारे लिए पर है, यह शत्रु है, यह मित्र है। श्री कृष्ण के दृष्टि में संभव है ही नहीं, उनके अंदर ये अहम्मति नहीं है। और अंत में कहते हैं कि निर्वदस्य, क्योंकि श्री कृष्ण निर्दोष हैं, अहंकार से शून्य हैं, अद्वय हैं, समदर्शी हैं, सर्वात्मा हैं, और ये सब गुण हैं, इस कारण से वे निर्वद्य हैं, दोष शून्य हैं। राग और द्वेष को इस संसार में दोष माना गया है किसी के लिए, लेकिन श्री कृष्ण राग और द्वेष से शून्य है। किसी के प्रति उनका कोई स्पेशल राग नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। इसको कहते हैं निर्वद्य। अवद्य का अर्थ होता है दोष, और नहीं माने नहीं, जिसमें दोष नहीं। इस संसार में दोष है किसी के प्रति राग होना और किसी से नफरत करना, द्वेष करना, किसी में आसक्त होना, किसी से बिल्कुल डिटैच होना, यह दोष है। यह दोष केवल भगवान में नहीं है, भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं, सबके प्रति उनकी समदृष्टि है। पर ऐसा होते हुए भी युधिष्ठिर देखो, विचार करो, अपने अनन्य भक्तों से
भगवान कितना प्रेम करते हैं, इसको अपने को ही दृष्टांत बनाकर जो कह रहे हैं। फिर भी युधिष्ठिर तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, आप विचार कीजिए, देखिए कृष्ण अपने अनन्य भक्तों से पर कितनी अनुकंपा करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। मैं इस कुरुक्षेत्र के इस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ हूँ, बाण की सज्जा पर, मुझ में चलने की क्या, मुझे बैठने की भी शक्ति नहीं थी कि मैं बैठ सकूं, और चलना तो दूर रहा, ऐसा नहीं संभव था मेरे लिए कि मैं जाऊं और आप लोगों के साथ रहने वाले श्री भगवान का मैं फिर से दर्शन करूं हस्तिनापुर में। मैं जा नहीं सकता था, मैं इस असहाय दशा में पड़ा हुआ हूँ युद्धभूमि में। परंतु आप लोग इतने अनन्य भक्त हो कि आप लोगों की भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान मुझ पर कृपा किए। क्यों? कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे कुल का हूँ, तुम मेरे वंश में पैदा हुए हो, इस नाते को देखकर श्री कृष्ण हमको अपना मानते हैं। यहाँ पर एकांत भक्त युधिष्ठिर आदि को कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, तुम लोग कृष्ण के अनन्य भक्त हो, स्नेही हो, प्रेमी हो, इसलिए तुम्हारे संबंध से तुम्हारे कुल का पूर्वज समझ करके श्री कृष्ण हमसे प्रेम किए, हम पर कृपा किए। भीष्म पितामह ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, नहीं नहीं, वो तो ग्लानी कर रहे हैं, यदि हमारा कृष्ण से प्रेम होता तो मैं कैसे कृष्ण के विरुद्ध लड़ता, कौरवों का साथ देता, हम में प्रेम नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि में प्रेम है, उनके प्रेम से प्रभावित होकर के भगवान हम पर कृपा किए, क्योंकि मैं उनके कुल का हूँ, उसी वंश में मेरा जन्म हुआ है। तो अर्जुन के नाते, आपके नाते, भीम के नाते, नकुल सहदेव के नाते से श्री कृष्ण हमको दर्शन दिए, कितनी कृपा किए कि जन्मे अंशुम तेजतः कृष्ण साक्षात कृष्ण दर्शनम आगत। जब मैं देह छोड़ने की स्थिति में हूँ, देह छोड़ते समय, मृत्यु के समय, श्री कृष्ण साक्षात मेरे दर्शन में आए, अपने आप मेरे पास आए चल करके, यह भगवान का अनुग्रह है भीष्म पितामह के प्रति। लेकिन भीष्म पितामह अपने को प्रेम शून्य देख रहे हैं और पांडवों को स्नेह से भरा हुआ है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं वास्तव में, कोई एक व्यक्ति अगर परिवार में भक्त हो जाए तो उस पूरे परिवार के लोगों को श्री कृष्ण अपना समझते हैं उस भक्त के नाते से, ये उनका स्वभाव है। यद्यपि वे सबके हैं, समूहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति सम हूँ, मेरा कोई द्वेष नहीं है, मेरा कोई प्रीतिपात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि ये भजंती तो माम भक्त है, मई ते सुचाते हैं, जो भक्ति से मेरा प्रेम भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, मेरे साथ। अपने श्रीमुख से भगवान बोल रहे हैं, मैं सबके प्रति सम हूँ, पर व्यवहार सम नहीं होता है, क्योंकि इधर से विषमता होती है। कोई कृष्ण से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, तो कृष्ण उसके साथ वही व्यवहार करे जो नन डिवोटी के साथ करते हैं, भला बताइए। यह भी भगवान की समता हुई, जे जथा माम प्रपद दिनते तांस तथा वो भजन में, ये समता इसी को कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई किसी को 10 रुपया दिया समय पर, तो समय आने पर, शक्ति रहने पर, वह व्यक्ति भी उसको 10 रुपया देगा, यह समता हुई। ये नहीं कि 10 रुपया देने वाले का वो 10 रुपया छीन ले और नहीं देने वाले को दे, ये विषमता हुई। तो कृष्ण सबके प्रति सम है, लेकिन उनको जो अपने हृदय का सर्वस्व समझेगा, उन पर जीवन न्योछावर करेगा, उनके लिए त्याग करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो कृष्ण क्यों नहीं उसको मानेंगे। इस तरह से श्री भगवान आए हैं भीष्म पितामह के पास। तो अर्जुन के साथ हमारा संबंध है,
अर्जुन मेरे कुल में जन्म लिया है, इस नाते से श्री कृष्ण हम पर कृपा किए हैं कि शरीर त्यागते समय मरणासन्न अवस्था में अपने आप हस्तिनापुर से चल करके और हमारे पास आए, पांडवों के साथ आए हैं, युधिष्ठिर के साथ आए हैं भगवान। तो दर्शनम आगतः साक्षात, इसका भाव यह है कि भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि मैं ऐसी असहाय स्थिति में हूँ, चलने की शक्ति नहीं है, बैठने की शक्ति नहीं है, यद्यपि मैं चाहता था कि हस्तिनापुर में जा करके भगवान का दर्शन करूँ, पर मैं चल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, सारा शरीर बाणों से विद्ध है और रग रग में दर्द भरा हुआ है, मैं जा नहीं सकता था। तो देखो युधिष्ठिर, विचार करो, पश्य, पश्य मतलब देखो, विचार करो, कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि भक्त के साथ संबंध होने से, अर्जुन के साथ संबंध होने से श्री कृष्ण मुझे सच्चा दर्शन दिए। मैं लड़ा कृष्ण के भक्तों के विरुद्ध, लड़ा इस कुरुक्षेत्र में, उन्हें बहुत बाण मारा, कृष्ण को भी बाण मारे थे, कृष्ण का कवच तोड़ दिए थे भीष्म पितामह, कवच टूटा हुआ भगवान पहने थे। एक दिन युद्ध में ऐसा हुआ, कवच टूट गया था, भगवान को ये भी सुधी नहीं थी कि मेरा कवच टूटा हुआ है, और भीष्म पितामह बाण मार रहे थे, भगवान के शरीर में कहीं कहीं बाण लग गया और खून चू रहा था। यह भी एक भगवान की शक्ति की विशेषता है, उनका चिन्मय शरीर है, शरीर कट सकता नहीं, लेकिन फिर भी वीर रस का ऐसा आवेश था कि बाण लगने से श्री कृष्ण को प्रसन्नता हो रही थी। ब्रज में गोरज लगने पर, गाय के खुर की रज पड़ने पर प्रसन्न होते थे, गोपियों की गाली सुनकर के प्रसन्न होते थे, और कुरुक्षेत्र में बाण लगने पर प्रसन्न होते थे, क्योंकि क्षत्रिय आवेश में है। तो भीष्म पितामह भगवान को सुख देने के लिए ही बाण मार रहे थे, इससे श्री कृष्ण को सुख हो रहा था, और योग माया की विशेषता से खून निकल रहा था, प्रदर्शित हो रहा था। वास्तव में खून तो है ही नहीं भगवान के शरीर में, केवल आत्मा के अलावा, ज्ञान और आनंद के अलावा उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखा है क्षतज परिप्लुत। भीष्म पितामह समय स्वयं कहे हैं आगे के स्तुति में, तो इस तरह से मैं जिनके विरुद्ध लड़ा, अर्जुन के साथ युद्ध किया और सैनिकों को मारा, एक दिन में 10,000 महारथियों को मारते थे भीष्म पितामह, और 10 दिन केवल युद्ध किए थे, तो इतना भयंकर युद्ध किए युधिष्ठिर के विरुद्ध, कृष्ण के विरुद्ध, फिर भी श्री कृष्ण पांडवों से इतना प्रेम करते हैं। ये भीष्म पितामह का कहना है कि युधिष्ठिर, तुम लोगों से इतना प्रेम है भगवान का कि तुम्हारे साथ हमारा संबंध है, दैहिक संबंध है, इस कारण से श्री कृष्ण हमको दर्शन दिए। इस पर जरा विचार करो। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम जन्मेन्सुंस त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। आगे कहते हैं कृष्ण का दर्शन कितना दुर्लभ है। दर्शन की बात तो छोड़ दो, श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण भी कितना महान और कितना पवित्र काम है, यह भी सबको सुलभ नहीं होता है शरीर त्यागते समय कि नाम जिह्वा पर आवे, उसको ये आगे के श्लोक में कह रहे हैं। भक्त्यावेश्य मनोजस्मिन् वाचा जन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। हे महाराज, भक्ति से, स्नेह से जिन श्री कृष्ण में मन को लगा करके योगी कामना वासना कृत कर्म फल आदि के साथ मुक्त हो जाता है, कर्म फल तो उसका समाप्त हो ही जाता है, यह देह छोड़ करके मुक्त हो जाता है व्यक्ति, केवल कृष्ण का स्मरण करने से अथवा केवल कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से, वाचा जन्नाम कीर्तयन, ये दोनों की बहुत विशेषता है। मन में यदि कृष्ण का स्मरण किया जाए
और विशेष करके शरीर छोड़ते समय अगर स्मरण हो तो वह भक्त संसार से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाता है। जिनके स्मरण की इतनी महिमा है और जिनके नाम उच्चारण की, वाचा जन्नाम कीर्तन, वाचा मतलब वचन से, वाणी से जिनके नाम का कीर्तन करके उच्चारण करके कोई प्राण का उत्क्रमण करता है, शरीर छोड़ता है, तो व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है, वैकुंठ प्राप्त करता है। ऐसी जिनके स्मरण की महिमा है और जिनके नाम उच्चारण की महिमा है, वे प्रभु हमारे पास डायरेक्ट आए, साक्षात आए। जिनका स्मरण करने से, नाम उच्चारण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वही प्रभु साक्षात मेरे पास आए हुए। इस कारण से श्री कृष्ण के अनुकंपा में स्वभाव को देख करके वे आज्ञा देते हैं कृष्ण को। देखिए अश्लोक ऐसा हो रहा है, सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम, देवताओं के भी पूज्य ये भगवान तब तक मेरी प्रतीक्षा करें, मेरे पास रहें, प्रसन्न हो हंसते हुए चार भुजाओं से युक्त, जिनका आज तक मैं सदा ध्यान किया हूँ, जो हमारे इष्ट देव हैं, वे हमारे सामने प्रफुल्लित मुख से हंसते हुए खड़े रहें, हमारी प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग नहीं कर लेते। एक प्रकार से ये आज्ञा हुई, ये भगवान हमारी प्रतीक्षा करें। तो इसमें आप देखेंगे कलेवरम जावदिदम हीनम में हम, इसमें स्वतंत्र बोध हो रहा है, ये स्वतंत्र हैं, ये शरीर छोड़ना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर अनात्म है, मैं शरीर छोड़ूंगा, भीष्म पितामह कह रहे हैं। शरीर में और मैं में अंतर हुआ ना, मैं का अर्थ है आत्मा, जो भीष्म नामक शरीर में है। वे कहते हैं मैं इस शरीर को, कलेवर को, हीनों में इसको मैं छोड़ूंगा। इस शरीर में मैं बहुत दिन रहा लेकिन अब मैं इसको छोड़ूंगा, और छोड़ने से पहले मैं श्री कृष्ण के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। वाणी में उल्लास हो रहा है, मैं इनकी कीर्ति गा करके, इनका नाम उच्चारण करते हुए, इनके बारे में बोलते हुए और अपने आँखों से देखते हुए और मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा करें, हमारे पास खड़े रहें। ये उस समय श्री कृष्ण वास्तव में उनके पास खड़े थे, जिस समय शरीर छोड़ने की तैयारी में थे। तो पहले तो भगवान प्रवचन सुन रहे थे बैठ करके, लेकिन बाद में भीष्म पितामह के पैरों के पास भगवान खड़े हुए साइड में, जिससे कि भीष्म पितामह साक्षात नेत्रों से निहार सकें। उनके मन में इच्छा थी और वे जान चुके थे कि मैं शरीर छोड़ूंगा, मुझे दूसरा जन्म मिलेगा, इस तरह से सोच रहे थे। दैन्य बस भीष्म पितामह ये नहीं विचार कर रहे थे कि वे भगवान के धाम चले जाएंगे, दैन्य बस वे ये सोच रहे थे कि मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, जन्मांतर होगा। तो उनके मन में अभिलाषा हो रही थी कि पता नहीं जन्मांतर में, शरीरांतर में, दूसरा शरीर मिलने पर मैं फिर से भर आँख अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देख पाऊंगा कि नहीं, ये लालसा उनको थी। तो भगवान को निष्पलक वो देख रहे थे, मुख पर देख रहे थे और प्रार्थना करते हैं कि आप हंसते हुए प्रसन्न मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज, जिनमें खिली हुई आँखें हैं सुंदर कमल के समान और जिनका मुख कमल के समान है, जो हमारे इष्ट देव रहे हैं, जिनका मैंने आज तक ध्यान किया है, वे प्रभु हमारे सामने प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें कि यह भीष्म कब शरीर छोड़ रहा है। ये विनय है भीष्म पितामह के द्वारा। पर श्लोकों में, इस श्लोक में इतना भाव व्यक्त है, जैसे भीष्म पितामह का सहज अधिकार है, अधिकार पूर्वक बोल रहे थे हमारी प्रतीक्षा करें, हमारे सामने खड़े रहें और मैं अपने नेत्रों से इनके मुख कमल को निहारते हुए इस देह को छोड़ना चाहता हूँ।
और जावत शब्द जो है जब तक है, जावत का अर्थ जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ तब तक हमारे पास रहे, इसका अर्थ है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि विलंबम बोधयति, यावत शब्द से विलंब बोध रहे। भीष्म पितामह जल्दी शरीर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वे इस शरीर में श्री कृष्ण को अपलक देख रहे थे, देखने में इतना आनंद उनको मिल रहा था कि वे चाहते थे और देर तक देखना और देर तक देखना। इसीलिए श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप रुकिए, आप यहीं पर हंसते हुए रहिए चतुर्भुज स्वरूप से। यही भीष्म देव के उपास्य थे, भगवान आप हमारे पास रहिए। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन की इतनी महिमा है कि जीव मुक्त हो, जोगी मुक्त हो जाता है। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो जाता है? जो श्री कृष्ण का स्मरण करता है। कैसे? भक्ति से। भक्ति से जो अपने मन को कृष्ण में लगा चुका है, भक्त्यावेश मनो जस्मिन, जस्मिन मन आवेश, जिनमें मन आविष्ट करके योगी काम कर्म भी मुच्यते। काम कर्म भी का अर्थ है कि वासना आदि सब सबके साथ मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है वासनाएं तो उसकी छूट ही जाती हैं, कर्मबंधन से पूरा मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। स्मरण की इतनी महिमा है, पर किसका स्मरण? जस्मिन मनो आवेश, जिस कृष्ण में मन का आवेश चाहिए। ध्यान का अर्थ कुछ शून्य का या ज्योति का ध्यान नहीं होता है, ये सब पाखंडियों की कल्पना है। यहाँ ध्यान का अर्थ भीष्म पितामह बताए, जस्मिन कृष्ण नख से सिख तक या सिख से नख तक या उनकी विविध लीलाओं का चिंतन करना, ये है ध्यान, ये है मन का आवेश। जैसे हम संसारी जीवों का मन है सर्वदा किसी न किसी व्यक्ति का वस्तु का स्मरण करता रहता है, चाहे घर का करे या अपने जूता का स्मरण करे या अपने कमीज का, किसी का, किसी व्यक्ति का। तो ऐसे ही चिंतन का विषय चाहिए। शून्य का क्या चिंतन होगा, लाइट का क्या ध्यान होगा? लाइट का ही ध्यान करना है तो आँख खोल करके इस पर देखिए, आँखें भी खराब हो जाएंगी। ये कोई ध्यान हुआ? लाइट का ध्यान करो, लाइट का ध्यान करो। लाइट साइड नहीं, परम पुरुष भगवान का ध्यान करना है। अभी हमको कल रास्ते में एक व्यक्ति मिले, वो इस बात पर बहुत जोर दे रहे थे कि भगवान निराकार हैं। हमने कहा कि निराकार कोई चीज नहीं है वास्तव में, फिर भगवान कैसे निराकार होंगे? भगवान तो एक दिव्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। तो वो व्यक्ति कुछ बहस कर रहे थे, वो सिख संप्रदाय के थे। तो हमने कहा कि नहीं, भगवान पुरुष हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, निराकार है। मैं कहीं कैसे? मैंने कहा कि बताया गया है गुरु ग्रंथ साहब में कि भगवान जो ईश्वर है वो अकाल पुरुष है। अकाल, काल, अकाल का अर्थ है जो काल से परे है, जन्म मृत्यु से परे है, दिव्य है, वो है अकाल। और पुरुष का क्या मतलब हुआ? तब तो वो हक्का वक्का हो गए सुनकर। ईश्वर अकाल पुरुष है, पुरुष का क्या मतलब हुआ बताइए? तब उनको कहना पड़ा कि हाँ, भगवान पुरुष है। मैं कहा, जानते हैं उस पुरुष का क्या नाम है? नहीं, नाम है? उसका नाम है कृष्ण, उस पुरुष का, जिसकी उपासना सिख समुदाय करता है। कृष्ण की ही उपासना करता है, पर जानकारी सबको नहीं होती है कि हम वास्तव में कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं। वे अकाल पुरुष हैं। वह पुरुष पीताम्बर पहनता है और वह पुरुष सिर पर
मयूर पंख धारण करता है, वो बहुत बांसुरी बजाता है, सांवला है, उस पुरुष का ये मतलब है सब गुणों से परिपूर्ण, सर्व ऐश्वर्य से, धन से, विद्या से, वैराग्य से, सुंदरता से परिपूर्णतम है वह है अकाल पुरुष। भगवान वास्तव में पुरुष हैं, तो किसी के ध्यान का विषय आकार ही होगा, भगवान ही हो सकते हैं, भगवान का अंग ही आकार ध्यान का विषय है। इसलिए भीष्म पितामह यहाँ कह रहे ध्यान पथस चतुर्भुज, ध्यान पथह का अर्थ है जो हमारे ध्यान के विषय, जो हमारे ध्यान के विषय रहे हैं, जिनका आज तक मैं केवल ध्यान करता रहा हूँ, जो हमारे इष्ट देव हैं, वे प्रभु हमारे सामने खड़े रहे। मैं जिनको आज तक ध्यान में देखता था, सामने भी देखा, वही हमारे मृत्यु के समय हमारे सामने खड़े रहे। तो दो चीज़ की बहुत बड़ी महिमा बताई गई यहाँ, भगवान के स्मरण की और नाम उच्चारण की। वाचा जन नाम कीर्तन, वाणी से जिनके नाम का कीर्तन करते हुए योगी काम कर्मों के साथ मुक्त हो जाता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की विशेषता हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी लोग इस भ्रम में हो जाते हैं, कहीं शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तो वे स्मरण शब्द की व्याख्या करते हैं। स्मरण का अर्थ है कि मन में सोचना, पर ये अर्थ नहीं होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्मरणे न काल नियमित, भगवान के नाम के विषय में काल की कोई पाबंदी नहीं है, समय की, किसमें, स्मरण में, नाम स्मरण में। तो इस स्मरण का अर्थ है कीर्तन, इसकी व्याख्या की जाती है जिह्वा से नाम उच्चारण करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम 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 जिह जौलो तुन जपी हैं, तौलो तु कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी हैं। विनय पत्रिका में कहते हैं जब तक तुम राम 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 जीभ से नहीं जपोगे, कहीं भी जाओगे त्रिताप से मुक्त नहीं हो सकते। त्रिताप आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक दुख, कहीं जाओ तवलों तू कहूँ जाए, स्वर्ग में जाइए, पाताल में जाइए, अमेरिका में जाइए, भारत में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह दुख से दग्ध रहोगे। सुख का एक ही उपाय है कि राम 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 जिह जौलो तुन जपी, जिह्वा से भगवान का नाम जपना यही सुख का कारण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने बोली बगुले बैठ करके 10-20 और बाबा बाबा पेड़ पर बोलते रहते, इसको बकवाद कहते हैं। बकवाद कुछ लोग करते रहते हैं, ये करो साधन ध्यान धरो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, जिह्वा से नाम उच्चारण करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम 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 जिह जौलो तुन जपी हैं, तौलो तु कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी, ऐसे बोलते हैं कि और सूरत सरी तीर बिन नीर दुख पाई है। अगर राम नाम नहीं जपोगे तो गंगा जी के तट पर पानी के बिना मर जाओगे, वे कहते हैं। सूरत सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सूरत तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है। और तो कल्प वृक्ष के नीचे भी जाओगे तो दरिद्रता सताएगी, राम नाम नहीं जपोगे तो कल्प वृक्ष के नीचे भी दरिद्रता सताएगी, गंगा जी के तट पर पानी के बिना मर जाओगे। सूरत सरी तीर और छुट्टी वे के जतन विशेष बंध जाओगे, हुए विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। छूटने का प्रयास कर रहे हो ना कर्मबंधन से, अगर राम नाम नहीं जपे तो विशेष बंध जाओगे, और ज़्यादा बंध जाओगे। जितने पंथ मत बताओ दुनिया में, ये करो ये करो ये करो, यदि भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे तो और बंध जाएंगे, मुक्त क्या होंगे।
अमृत सान करके खाओगे वह भी विष हो जाएगा। देखने में तो आदमी अमृत से सान है भोजन को, सचमुच में स्वर्ग से अमृत मंगा करके कोई सान है भोजन में अमृत डाल कर ले, खाने पर जहर हो जाएगा अगर राम नाम नहीं जपे। और सब साधन बेकार हैं, एक ही साधन कलयुग में चलता है, वह है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री भगवान के नाम उच्चारण की इतनी महिमा है। नाम का उच्चारण करते हुए जोगी शरीर छोड़ता है, जीवन में अभ्यास करता है तो वह मुक्त हो जाता है। तो ऐसे प्रभु कृपा करके हमको दर्शन दिए हैं, जब इतना स्नेह किए हैं हमसे, अपने भक्तों के वंश में उत्पन्न जान करके, उनके साथ हमारा संबंध जान करके, वास्तव में युधिष्ठिर से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, अर्जुन से करते हैं, अर्जुन हमारे पौत्र हैं, इस संबंध से श्री कृष्ण हम पर जब इतना स्नेह किए हैं, तो प्रभु और कृपा करें कि हमको जितनी भी देर लगेगी यह शरीर छोड़ने में, तब तक हमारे सामने हंसते हुए रहे, हमारे सामने खुशी से खड़े रहे। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कले वरम जावदिदम हिनम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। भगवान मुस्कुराते हुए और अरुण नेत्रों से और खिले हुए मुखाम्बुज से हमारे सामने खड़े रहे, हमें दर्शन देते रहे, इस तरह से त्यागना चाहते हैं शरीर। यह सौभाग्य जीवन में किसी किसी महान भक्त को प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनका मुख निहारते हुए शरीर छूटे। हरिदास ठाकुर को यह सुख मिला, जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए वे शरीर छोड़े। केवल देखते हुए ही नहीं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु थे ऊंचे आसन पर बैठे हुए, हरिदास ठाकुर को वे देख रहे, तो हरिदास ठाकुर उनके चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर किए। चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल हरिदास ठाकुर के छाती पर है और नेत्र उनके भगवान के मुख पर, चैतन्य महाप्रभु के मुख पर, और नाम निकला गौर हरि, अंतिम बार भगवान का नाम, जिह्वा पर नाम, नेत्रों में दर्शन, वक्षस्थल पर भगवान का चरण कमल। इस तरह से जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो उस समय सभी वैष्णवों को यह प्रसिद्ध प्रसंग याद आ गया कि भीष्म पितामह ने इस तरह शरीर छोड़ा था, सबको ये बात याद आ गई। तो इस तरह से सौभाग्य बहुत कम भक्तों को मिलता है। तो भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और अब वे शरीर त्यागने के लिए उद्यत हो गए। जब भगवान ने देखा कि पितामह भीष्म अब शरीर छोड़ना चाहते हैं, तब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया, वहीं बैठे हुए बगल में, कि महाराज अभी शरीर छोड़ना चाहते हैं, आप इसके पहले अपने जीवन में जो भी संशय है वो पूछिए और ज्ञान पूछिए, सभी धर्मों के विषय में ज्ञान प्राप्त कीजिए, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, धर्म दान धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, जो भी है आप पूछ लीजिए। तो महाराज युधिष्ठिर उनसे पूछने के लिए उद्यत हुए। महाराज युधिष्ठिर रोने लगे, कहने पितामह आप जैसे ज्ञान सूर्य के अस्त होने पर सारा जगत अंधकार में डूब जाएगा, कौन फिर ज्ञान देगा, कौन अनुभव देगा, आप कृपया रुकिए और हमें ज्ञान दीजिए। बहुत से प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने करना चालू किया। तो भीष्म पितामह कहते हैं महाराज मेरा शरीर दर्द से बिल्कुल बेचैन है, मैं बोलने की शक्ति नहीं रखता हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बात की, कहे कि पितामह आप में कोई दर्द नहीं रहेगा। भगवान ने कृपापूर्ण दृष्टि से देखा भीष्म पितामह पर,
सभी अंगों पर देखा और कृष्ण के देखते ही सारे दर्द समाप्त हो गए। यदि बाण धसे हुए थे शरीर में लेकिन कोई भी पीड़ा नहीं, पीड़ा का भाव नहीं, वह आनंद में भर रहे थे भगवान के देखने से। यद्यपि जिस समय श्री कृष्ण आया उन्होंने कृपा दृष्टि से भीष्म पितामह पर देखा उसी समय से उनका दर्द खत्म हो गया है, लेकिन इस समय जब उन्होंने कहा कि हमें दर्द है, मैं बोल नहीं सकता, तो भगवान स्पेशल करुणा के दृष्टि से उनको देखने लगे। क्या कोई है डॉक्टर दुनिया में माई का लाल जो आँख से देख करके चिकित्सा कर दे? कोई है ऐसा? आँख से देख दे और सब दर्द रोग खत्म हो जाए? कोई नहीं। लेकिन ये सब लीलाएं लिखी गई हैं इस भागवत में भी, तदीक्षय वासुगता युद्धव व्यथा, आगे के श्लोक में बताया जाएगा। श्री कृष्ण के इच्छा या दृष्टिपात से ही भीष्म पितामह के शरीर के सब दर्द चले गए, कोई व्यथा नहीं रही, वे आनंद में भर गए। और इतना बड़ा प्रवचन उन्होंने किया है महाभारत में, जिसको शांति पर्व के नाम से जाना जाता, बहुत मोटा कलेवर है। विश्व के मानव इतिहास में इतना ज़्यादा उपदेश बड़ा आज तक किसी ने नहीं किया जो भीष्म पितामह ने किया है। वास्तव में ज्ञान का विश्वकोश है, अनंत ज्ञान भरा पड़ा है उसमें। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि युधिष्ठिरस तदा कर्णे असयानम सर्पंजरे अपृच्छत विविधान धर्मान ऋषिणाम चानुश्रीणवतान। महाराज युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया तो उस समय उत्तर सुनने के लिए वहाँ सारे ऋषि मुनि जुटे ही थे भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए। तो ऋषिणाम च अनुश्रीणवताम, ऋषियों के सुनते सुनते भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। अपृच्छत विविधान धर्मा ऋषिणाम च अनुश्रीणवताम, किससे प्रश्न पूछा जा रहा है? सयानम सरपंजरे, जो सरपंजर पर बाण सज्जा पर सोए हुए पूछने वाले बैठे हैं, उत्तर देने वाला सोया हुआ है। कभी कभी ऐसे भी प्रवचन किया जाता है सो करके भी प्रवचन किया जाता है। कावेरी नदी के तट पर भगवान दत्तात्रेय जदू महाराज के ऐसे सोए सोए ही प्रवचन किए। जदू महाराज बैठे थे और वे कावेरी के तट पर धूली में लोटे हुए जो प्रवचन कर रहे। तो भीष्म पितामह सयानम सरपंजरे, बाण सज्जा पर सोए हुए थे उस समय महाराज युधिष्ठिर भगवान की प्रेरणा से उनसे प्रश्न करने लगे, तो उसका उत्तर दिए वे। बीच बीच में प्रश्न होता जाता था, बीच बीच में उत्तर होता जाता था, पर संक्षेप में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भीष्म पितामह ने किन किन विषयों पर प्रवचन किया। तो ये कहते हैं, पुरुष स्वभाव विहतान जथा वर्णम जथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमना तो भय लक्षणान। भिन्न भिन्न मनुष्यों के भिन्न भिन्न स्वभाव के अनुसार, वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, उसका भीष्म पितामह ने वर्णन किया। और वह भी दो भागों में बटा हुआ, वैराग्य और राग, एक निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी और प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ आश्रम। दोनों प्रकार के स्वभाव के मनुष्यों के धर्मों का उन्होंने वर्णन किया, बड़े विस्तार से किया। पुरुष स्वभाव विहिता, स्वभाव कहते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार को। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण इस वर्तमान जन्म में मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, उनके ज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न होता है, स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। तो उन सबको एक ही मार्ग पर नहीं चलाया जा सकता है। भगवान गीता में वर्णन करते हैं कि चार वर्ण हैं, तो ब्राह्मण का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या धर्म है और शूद्र का क्या धर्म है, इन सब का वर्णन करते हैं। तो वे कहते हैं, समो दमः तपः शौचम
Shanti Rarjavameva cha Jnanam Vijnanam Astikyam Brahma Karma Swabhava cha. Sab mein swabhav laga raha hai. Swabhav is shabd. Pahle batate hai, Brahmana Kshatriya Vishan Sudranam cha Param Tapa Karmani Pravibhaktani स्वभाव जय प्रभवय गुणाई स्वभाव प्रभवय गुणाई. भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, चार वर्ण हैं, इन चारों वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं, तो इनके जो धर्म हैं कर्तव्य हैं वो इनके स्वभाव प्रभवय गुणाई स्वभाव जय प्रभवय गुणाई इनके स्वभाव के अनुसार इनके धर्म का निश्चय किया गया है और मैं किया हूँ. तो ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, तो भगवान बताते हैं समो दमो और क्या तपह शौचम. समो दमह तपह शौचम और शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव. ब्राह्मण का काम है सहज, सम और दम. सम का अर्थ है कि मन में संतोष रखे, शांति रखे, संतोष रखे, और दम बाह्य इंद्रियों पर निग्रह, आँख हाथ पैर इंद्रियाँ जो हैं सब इन पर भी कंट्रोल करें, और मन में भी संतोष रखे, शांति रखे, समो दम और तपह तपस्या करे. स्वधर्म के पालन में अगर इंद्रियों को कष्ट होता है, कष्ट सहे, ये ब्राह्मण का धर्म है. ये ब्राह्मण का धर्म है कि भोर में स्नान करे, भले ठंडा लगे चाहे कुछ भी. ये ठंडा लगना ये तप हुआ, ये इंद्रियों का तप है. सवेरे भोर में स्नान करने का भारी तप है है ना. और यह भी तप है कि सोने में मजा आता है, सोने में आनंद आता है, लेकिन कम सोवे. सोवे सोना जीवन के अवधि को बेकार खर्च करना है. कम सोवे, एकादशी को उपवास करे, या और भी जो कष्ट स्वधर्म के पालन में कष्ट है उसको सहे. महाभारत में कहा गया है कि जो क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिखा दे वो बेकार है, और जो ब्राह्मण ठंडा से डर जाए नहाने से वो बेकार है. वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है जो ठंडा से डर जाए. तपह कहते हैं, तपस्या का अर्थ यह नहीं है कि चारों ओर आग बोझ करके और ऊपर से सूरज की गर्मी सहे पंचाग्नि तप. तप तप का अर्थ है भूख की ज्वाला सह लेना, इंद्रियों के अर्ज को रोक लेना, वाणी में दूसरे को गाली देने की बात आ रही है लेकिन नहीं देना, चुपचाप सह लेना, इसको तप कहते हैं. बल्कि भगवान का नाम बोलना, दूसरे के हित करने वाली बात बोलना, इसको वाणी का तप कहा गया. मन का तप है दूसरे का हित चाहना, भगवान का चिंतन करना. शरीर का तप है भगवान को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना. शरीर झुकना नहीं चाहता है लेकिन इस अधम देह को दंडवत झुकाना चाहिए. झुकोगे क्यों नहीं तो शरीर से प्रणाम करना. भगवान ने स्वयं बताया है कि गुरु देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम. इसको भगवान ने शरीर का तप कहा है. शरीर से तप करना, प्रणाम करना, मेहनत करना, भगवान के प्रचार के लिए या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रचार करना, इसको तप कहते हैं. तप और शांति रार्जव और शौचम. ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो साफ रहे, गंदा नहीं रहे. वस्त्र भी साफ रहना चाहिए, शरीर भी साफ रहे, और मन भी साफ रहना चाहिए. मन को साफ रखा जाता है महामंत्र के जप द्वारा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Ram, Hare Ram, Saucham is called Suchita. कई प्रकार से सुचिता होती है मन की सुचिता और शरीर की सुचिता वस्त्र की सुचिता स्थान की सुचिता साफ रहना चाहिए और शांति सहनशीलता भूख की ज्वाला सहना कोई अपमान परक बात बोल दिया तो सह लेना इसको शांति कहते हैं जीवन में जो भी कष्ट आते उसको सह लेना बर्दाश्त कर लेना और आर्जवम आर्जो का अर्थ है रिजु सीधा साधा व्यवहार करना कपड़ा सीधा पहनना अच्छा पहनना व्यवहार में सरलता होना वाणी में वक्रोक्ति आदि न होना सीधा बोलना रिजुता कहते हैं सरल स्वभाव सरल वस्त्र सरल खान पान ब्राह्मण का ये कर्तव्य ब्राह्मण जीव चटोर नहीं होता अगर जीव चटोर हो गया तो वो रिजुता नहीं रहे सीधापना नहीं रहे ब्राह्मण को तो कभी पिज्जा फिजा देखना भी नहीं चाहिए भगवान को जो भोग लगता है प्रसाद ले अभी सीधा साधा प्रसाद और व्यवहार में बिल्कुल नम्र रहे सीधा व्यवहार सब कुछ कोई झूठ कपट चोरी ये सब नहीं इसको रिजु इसको आर्ज कहते हैं रिजु शब्द से आर्ज बनता है जो बिल्कुल सीधे स्वभाव के हैं अच्छे हैं भगवान के भक्त हैं उनको आर्ज कहा गया केवल एक वर्ग विशेष में नाम लिखा देने से आर्ज नहीं हो जाता है व्यक्ति ये गुण होने से आर्ज होता है आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम जिसमें शास्त्रों का ज्ञान हो ब्राह्मण में और विज्ञान का अर्थ उसके अनुभव हो जीवन में आचरण करता हो शास्त्र का ज्ञान और व्यवहार व्यवहारिक सब कुछ भक्ति कर रहा है ज्ञान का अर्थ है शास्त्र का ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है भक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है आस्तिक्यम शास्त्र पर सहज विश्वास शास्त्र में लगे रहना इसको आस्तिक कहते हैं आस्तिक उसको नहीं कहते हैं जो ईश्वर को मानता है जो शास्त्र को मानता है वो आस्तिक है जो वेद को मानता है जो वेद को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते ईश्वर को तो मानने वाले बहुत लोग हैं अपने अटकल के अनुसार मानते हैं दुनिया में सभी लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन अगर वेद नहीं मानता है भगवद गीता श्रीमद् भागवतम नहीं मानता है उपनिषद को नहीं मानता है तो वो नास्तिक है ब्राह्मण को सहज ही वैदिक ग्रंथों में विश्वास रखना चाहिए श्रद्धा रखनी चाहिए पढ़ना चाहिए यह ब्रह्म कर्म स्वभाव जब भगवान कहते हैं ये ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है क्षत्रिय का क्या कर्म है तो कैसे है अच्छा सौर्जन तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभाव क्षत्रिय का काम बता रहे हैं भगवान यही सब बांटे हैं वर्ण और आश्रम वही प्रवचन कर रहे हैं सौर्जन तेजो क्षत्रिय में सूरता होनी चाहिए सौर्ज सूर के धर्म को वीर के धर्म को सौर्ज कहते हैं वीरता होनी चाहिए और सौर्ज तेज हो उसमें तेज होना चाहिए उसका प्रभाव होना चाहिए और तेज हो धृति धैर्य होना चाहिए उसमें धैर्य रहता है किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य को नहीं खोता है दक्षम और दक्ष होता है किस तरह से प्रजा का पालन करना है इस विषय में और शासन करना है प्रजा के पालन में वो दक्ष होता है और युद्धे चाप्य पलायन युद्ध में अपलायन वो युद्ध से कभी भागता नहीं है अगर कभी युद्ध का अवसर आया तो क्षत्रिय का स्वभाव है वो आगे रहता है सन्मुख बाण सह करके मर जाता है लेकिन पीठ नहीं दिखाता ये क्षत्रिय का धर्म है
दानम ईश्वर भावश्च, दान देने में सदा उत्साह रहता है, उचित देश काल पात्र को दान देता रहता है, क्षत्रिय का यह स्वभाव है। क्षत्रिय को दान कभी लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए हमेशा उचित काम के लिए सब। तो दानम ईश्वर भावश्च, और कंट्रोल करने का भाव कि मैं मालिक हूँ और सबको नियमन में रखना, कंट्रोल में रखना, ये क्षत्रिय का काम है। युद्धे चाप्य पलायनम पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आजकल के शासक लोग जिनको मान लीजिए थोड़े काल के लिए क्षत्रिय माना जाए, वो क्षत्रिय तो है नहीं, लेकिन शासक वर्ग के प्रति प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कहीं युद्ध होता है तो युद्ध स्थल तक पक भ्रमण नहीं करते हैं। डिफेंस विभाग के हेड है लेकिन केवल फोन से काम चलाते हैं, सैनिक सीमा पर लड़ते हैं लेकिन ये बाबू साहब कभी, ये मंत्री साहब कभी उधर गए नहीं देखे, पूरा प्रतिरक्षा मंत्री बने। युद्धे चाप्य पलायनम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शासक को, राजा को युद्ध में सबसे आगे रहना चाहिए। पर किसी किसी शासक को तो पता भी नहीं चलता है, युद्ध हो गया और कुछ भूखंड ले लिया शत्रुओं ने, इसका भी पता नहीं होता। दूसरे लोग बताते हैं अरे ऐसा हो गया है, इस देश के सैनिक चढ़ आए इतना, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये शासकों का काम है, नालायक इस तरह से क्या जनता का पालन करेंगे। भगवान कह रहे हैं युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में अपलायन। युद्ध एक अनिवार्य बुराई है, बुरा है युद्ध, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्षत्रिय को अहिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसा अहिंसा करे और वो लोग बम से उड़ा दे, ये करे करे इधर से, अहिंसा शांति शांति, क्या शांति होगी, शांति बिना शक्ति के नहीं होती है, ये देखा गया, इतिहास साक्षी है। शांति हो गई ना महाभारत के बाद, इतने लोग मार दिए गए, महाराज युधिष्ठिर का राज्य हुआ, शांति छा गई, उसके पहले कहाँ शांति थी। शांति भीख मांगने से नहीं मिलती है, शांति शांति कहने वाले ही गोली से उड़ा दिए गए। जो शास्त्र कह रहा है, जो प्रथा, जो वर्ण विभाजन आदि के नियम, उसको मानना चाहिए तब शांति होती है। शांति करते शांति क्या करेंगे, जब अशांति फैलाने वाले को प्रश्रय दिया जाता है, शांति क्या करेंगे। क्षत्रिय को ऐसा होना चाहिए, उसमें सौर्य तेज बल आदि होना चाहिए, दंड देने की शक्ति होनी चाहिए, तब शांति होती है। ये शास्त्र बताता है और इतिहास बताता है, इसकी अवहेलना करके मनुष्य जाति सुखी नहीं हो सकती है। तो जथा वर्णन जथा समम, अच्छा वैश्य का क्या कर्तव्य है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जो भगवान कहते हैं। विष शब्द से वैश्य शब्द बनता है। विष का अर्थ है धन, धरती, धन के जो अधिकारी हैं उनको वैश्य कहते हैं। तो भगवान उनके तीन काम बताते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि करना। संसार में अन्न की प्रचुर व्यवस्था हो जाए, सबको खाने को मिले और सबको दूध दही पर्याप्त मात्रा में मिले, गोरक्षा की व्यवस्था करना, गौओं का संवर्धन करना और व्यापार करना, एक वस्तु को एक जगह से खरीद ले जाना, दूसरे जगह खरीदना, उसे कुछ बेचना, उसे जो नफा हो उससे अपना परवरिश करना, ये क्षत्रिय का काम है, ये वैश्य का काम है। गोरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मानव समाज में दूध प्रचुर नहीं उत्पन्न किया जाएगा तब तक मनुष्य का मानसिक विकास भी नहीं होगा, ब्रेन का विकास नहीं होगा। दूध चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए, सब कुछ, और अन्न चाहिए।
तो यह सारी जिम्मेवारी वैश्यों पर है कि वे कृषि करें, फल अनाज आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किया जाए तथा गौओं की रक्षा किया जाए और वाणिज्य ठीक तरह से सफलतापूर्वक हो। आज के युग में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वाणिज्य ही करना चाहता है, व्यापारी हो गया है सब। और तो और प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि सरकार के जो आदमी हैं वे चाहते हैं जनता पर जितना कर लगा करके उनसे वसूल किया जाए, वो व्यापार कर रहे हैं। पहले के राजा लोग प्रजा का पालन करते थे, चिंता करते थे कैसे सुख से रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, जिएंगे, खाएंगे अच्छा से। और केवल इतना ही नहीं, राजा को पूरा ज्ञान होता था कि ये किस तरह से ये शरीर छोड़ करके जनता भगवान को प्राप्त करेगी, वो जानते थे स्वयं। और जनता को भी ऐसी सुविधा देते थे जो सब लोग भगवान की भक्ति करें, कीर्तन करें, शुद्ध आचरण करें। पर आज के युग में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लड़कों की पढ़ाई आप देखेंगे संसार में, उनको शिक्षा दी जाती है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन उनका नैतिक स्तर भी ऊँचा होना चाहिए। इस विषय में न कोई शिक्षा है न कोई विचार है, कोई विचार नहीं है, चाहे वो शासक वर्ग हो चाहे जनता हो माता पिता, कि हमारा बच्चा एक नीतिमान व्यक्ति बने, ईश्वर का भक्त बने, सदाचारी बने और अन्य नियमों का पालन करे, मांसाहार न करे, सिगरेट जुआ न खेले, सिगरेट न पिए। इन नैतिक शिक्षा नील है, सबके घर में टीवी है, अरे बच्चों का इससे क्या विकास होगा। अब वर्ण धर्म रहा नहीं, आश्रम धर्म लुप्त हो गया, इसलिए मनुष्य इतना दुख में पड़ गया। अब तो बच्चों को पढ़ाना भी कठिन है, अगर कुछ परिवार में पैसा नहीं है तो उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। ये उन्होंने अपराध किया कि गरीब के वंश में पैदा हो। कोई न सरकार की व्यवस्था है न जन समाज में कोई व्यवस्था है। श्रील प्रभुपाद जी की बातों को मैं कह रहा हूँ, वो इस प्रकार से बताते हैं क्यों वर्ण धर्म जरूरी है और आश्रम धर्म जरूरी है। मनुष्य के क्रमिक ज्ञान विकास के लिए, विकास के अनुसार आश्रम धर्म की स्थापना है। अच्छा, वैश्य का कर्म मैं बोलना छोड़ दिया। भगवान बताते हैं परिचर्जात्मकम कर्म शूद्रश्चात् परम तप। अच्छा, शूद्र का धर्म क्या है? तीन वर्णों की, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की परिचर्या, सेवा। सेवा आज के युग में जिसको सर्विस कहते हैं, नौकरी कहते हैं, तो शूद्र को पूरा अधिकार है कि वह इनकी सेवा करे। और सेवा से ही उसको इतना मिल जाता है कि उसका इस जीवन में बहुत अच्छा से मेंटेनेंस हो जाता है, पालन पोषण होता है। आज जिसके लिए आदमी तरस रहा है कि एक काम हमको मिले, हमें ये मिले, वो शूद्र का सहज अधिकार है वो सेवा करे। और तीन वर्णों की सेवा करके ही वह इस लोक में परलोक में भी सुखी होता है। इस तरह की व्यवस्था, ये भगवान का प्रवचन है, कोई हम लोगों का नहीं है। परिचर्जात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभाव, जब भगवान कहते हैं उसके स्वभाव के अनुसार उसकी यही सेवा है। जितने भी मैनुअल सर्विस हैं, शारीरिक मेहनत के काम हैं और सब, ये सब शूद्रों को देना चाहिए। और पढ़ाने वाला जो काम है, प्रभुपाद जी कहते हैं शिक्षक आदि का, वो ब्राह्मणों को देना चाहिए। लेकिन वे कहते हैं कि अगर ब्राह्मण तंबाकू खाता है तो शिक्षक नहीं बनना चाहिए, और शराब पीता है तो उसको शिक्षक नहीं बनाना चाहिए। वो क्या शिक्षा देगा, वो क्या नीति की शिक्षा देगा बच्चों को, वो इस तरह से योग्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि वर्ण धर्म की स्थापना हो, क्योंकि इसके बिना मानव जाति सुखी नहीं हो सकती है। पर बहुत दुख की बात है कि सब नहीं हो रहा है। भीष्म पितामह ने महाभारत में बहुत प्रवचन किया है इन सब विषयों पर। अच्छा, धर्म भी, चाहे वैश्य का धर्म हो, शूद्र का धर्म हो, ब्राह्मण का धर्म हो, धर्म भी दो उपाधियों से बटा हुआ है। उपाधि,
उपाधि कहते हैं किसी भिन्न वस्तु से के आवरक रूप में कोई चीज़ होती है उसको उपाधि कहते हैं। जैसे जीव चिन्मय है, भगवान का दास है, अंश है, लेकिन दो भाग में बटा हुआ है मनुष्यों में, एक स्त्रियां हैं कोई पुरुष हैं, तो उसको एक को स्त्री उपाधि से युक्त माना जाएगा, एक को नर उपाधि से, हैं दोनों एक ही भगवान के अंश। तो इसी तरह से धर्म का आचरण करने में भी दो उपाधियां हैं, एक राग और एक है वैराग्य। किसी किसी मनुष्य में स्वाभाविक ही वैराग्य रहता है बचपन से ही, उनके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वे राग लें और उसके अनुसार चलें। से किसी किसी में ऐसा वैराग्य होता है कि वो शुरू से ही संसार में नहीं पढ़ना चाहता, जैसे विवाह नहीं करना चाहता या बाल बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, तो वह व्यक्ति चाहे तो उस वो डायरेक्ट ही संन्यास ले सकता है, डायरेक्ट ही आगे बढ़ सकता है ब्रह्मचर्य आश्रम से। कोई आवश्यक नहीं है कि वह गृहस्थ बने ही, वह वानप्रस्थ ले सकता है, संन्यास ले सकता है, डायरेक्ट संन्यास ले सकता है। लेकिन कुछ है जीव, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनमें सहज राग है, उनके जीवन की जो स्थिति है, स्वभाव है, राग है उनमें, उनमें स्नेह है किसी न किसी के प्रति, वे चाहते हैं कि हम किसी के साथ हो जाएं तो विवाह करते हैं, हमारे बच्चे हों हम पालन करें, और उसी रास्ते से भगवान को प्राप्त करेंगे। इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और दूसरे को निवृत्ति मार्ग कहते हैं, उसी को राग और वैराग और राग भीष्म पितामह कहे, ये शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं। ये शास्त्र के द्वारा दोनों लक्षणों के अनुसार उन्हें वर्णन किया, गृहस्थ का क्या क्या कर्तव्य है, कैसे कैसे ड्यूटी है, उससे कैसे परिवार का पालन करना और उससे भगवान का भजन करना, ये सब, और ब्रह्मचारियों के धर्म का वर्णन किया, वानप्रस्थियों के, सन्यासियों के, जथाश्रमम, चारों वर्णों के, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से, दान धर्म, दान किस देश में, किस काल में, किस पात्र को कैसे देना चाहिए, दान देना चाहिए जरूर, लेकिन किसको कैसे देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, ऐसे इन सब का वर्णन किया उन्होंने विस्तार से। और राजधर्मान, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का किस तरह से पालन करे, किस तरह से कर ले और किस तरह से अकाल में उनकी सहायता करे, सेना कैसे रखे, लड़ाई किस समय करे न करे, उसे मंत्री कैसा रखना चाहिए, मंत्रियों का परीक्षण कैसे करेगा, इन सब बातों का विस्तार से वर्णन किया। और मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म, संसार बंधन से कैसे मुक्त होंगे, जन्म मृत्यु से कैसे मुक्त होंगे, इसके विषय में भी प्रवचन किया। विभाग स, विभाग का अर्थ अलग अलग ढंग से वर्णन किए, नहीं कि सबको सब में गोलमटोल करके वर्णन कर दिए। एक वाक्य बोले ब्रह्मचारी के विषय में तो दूसरा तुरंत गृहस्थ के विषय में बोले, चाहे बहुत बातें, कुछ लोग बोलते हैं तो कई बातों को शान करके बोल देते हैं, एक घंटा का प्रवचन करेंगे दुनिया का सारा बात एक में ही कर देंगे, ऐसा नहीं। विभाग स, एक विषय पर जो प्रवचन कर रहे थे उसको कंप्लीट किए अलग अलग, इसको कहते हैं असंकीर्ण प्रवचन। जो विषय बोल रहे हैं तो उसी को स्पष्ट करके पूरा करके तब दूसरे बोल रहे हैं, तीसरे को बोल रहे हैं। कभी कभी लोग क्लास में, भागवत के क्लास में प्रश्न कर बैठते हैं, क्या प्रसंग हो रहा है तो क्या प्रश्न कर रहे हैं, वक्ता को कन्फ्यूजन होने लगता है कि अब हम क्या बोलें। इस तरह का प्रश्न नहीं, प्रश्न क्लियर होता था उसका उत्तर हो जाता था, विभाग स सिस्टमेटिक ढंग से उत्तर दे रहे थे भीष्म पितामह। तो मोक्ष धर्मन, स्त्री धर्मन, स्त्रियों का धर्म, उनका क्या कर्तव्य है, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे पोशाक पहनना चाहिए और पति की किस तरह सेवा करनी चाहिए और पति के संबंधियों की, बंधुओं की, सास ससुर की कैसे सेवा करनी चाहिए और परिवार को कैसे रखना चाहिए, भोजन कैसे बनाना चाहिए, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, घर के वस्तुओं को सजा करके रखना, ये रखना, वो रखना,
आपत धर्म भी वर्णन किया गया, तो स्त्रियों के धर्म का वर्णन भीष्म पितामह ने किया। आप देख सकते हैं महाभारत में एक अलग सेक्शन है जिसमें स्त्री धर्मों का वर्णन है, और भगवत धर्म सर्वश्रेष्ठ में बता रहे हैं, भगवत धर्म समास व्यास जोगतः, और कहीं कहीं विस्तार से कोई कोई बात और किसी किसी बात की बहुत व्याख्या करके भीष्म पितामह ने समझाया। भगवत धर्म भगवान को संतुष्ट करने वाले कर्तव्य, जीव अंततः भगवान का है, कृष्ण का है, कृष्ण को कैसे चेरे बर्तानी हरितोषणानी, भगवान को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, इसका उन्होंने वर्णन किया। ये जो धर्म है मोक्ष धर्म से अलग है, यहीं पर एक ही श्लोक में बताया जा रहा है। मोक्ष धर्म अलग है, जन्म मृत्यु से छूट जाना अलग चीज है, पर भगवान को प्रसन्न करने वाला धर्म जिसको भक्ति कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इन सब का भी वर्णन भीष्म पितामह ने किया। भगवत धर्म अलग चीज है, जिसको भागवत धर्म भी कहते हैं। भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करना, तो यही कर्तव्य है कि हम भगवान के विषय में सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ सख्य रखें, उनको सर्वस्व निवेदन करें, यह है भागवत धर्म। तो भीष्म पितामह ने इन सब धर्मों पर प्रवचन किया। जिन पुरुषों को ये जिज्ञासा हो कि भीष्म पितामह ने क्या वर्णन किया है, वो बिल्कुल रिकॉर्डेड की तरह महाभारत में लिखा हुआ है। ये वर्णन किए धर्मार्थ काम मोक्षाश्च, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष उपायों के साथ, साधन के साथ कैसे सब संपन्न होते हैं, इनका यथावत वर्णन किए। वर्णन करें तो अनेक आख्यानों में, अनेक कथाओं में, अनेक इतिहासों में इन सब बातों को कह रहे थे। हमको कुछ अवसर मिला है वो महाभारत पढ़ने का, तो हमको ध्यान आ रहा है कैसे कैसे आख्यान, कैसे कैसे इतिहास कह करके उसको पुष्ट कर रहे हैं। वर्णयामास तत्व तत्वेता भीष्म पितामह ने इन सब का वर्णन किया। धर्मम प्रवदतस्तस्य स काल प्रतिपस्थित यो योगिनश्छंद मृत्यु वांछितस्तुत्तरायण। धर्म पर प्रवचन करते करते भीष्म पितामह ने देखा अब वो काल आ गया, वह समय आ गया जिसको विद्वान लोग उत्तरायण कहते हैं, जब भगवान सूर्य मकर रेखा को पार करके विषुवत रेखा के तरफ, मतलब उत्तर की तरफ चले जाते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं उसको। माघ महीने से लेकर के आषाढ़ तक ये है उत्तरायण। तो जो इच्छा मृत्यु हैं, जिनको इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ना है, ये योगी लोग प्राय चाहते हैं कि उत्तरायण में हम शरीर छोड़ें। भीष्म पितामह 58 दिन बाण सज्जा पर थे, प्रवचन करते करते वह काल आ गया जिसकी वो भी कामना कर रहे थे कि हम उत्तरायण में शरीर छोड़ें, और उनकी तो वास्तव में कामना थी कि भगवान कृष्ण हमारे सामने हों तब शरीर छोड़ें। सुखदेव गोस्वामी भागवत के प्रवचन में कहे हैं कि देशे च काले मनोच मसज्जयत। एक योगी को, भक्त को देश और काल का आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हम इसी समय मरें और इसी देश में मरें, इस स्थान पर आग्रह होता है कि हम काशी जी में मरें, काशी जी में शरीर छोड़ें, या और जगह शरीर छोड़ें तीर्थ में। योगी को, भगवान के भक्त को चाहिए कि वह भक्ति में ही लगा रहे, भगवान की जहाँ इच्छा होगी, जो इच्छा होगी या कर्मानुसार जो होना होगा, इसके लिए बहुत व्यग्र नहीं होना चाहिए। लेकिन वैष्णव भक्तों के लिए ये देखा गया है कि वे चाहते हैं कि भगवान के धाम में हमारा शरीर जाए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी कहे अपने शिष्यों से कि हमको ले चलो, मैं प्रीचिंग करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूँ, वो भीष्म पितामह की याद कर रहे हैं।
जैसे भीष्म पितामह युद्ध भूमि में शरीर छोड़े, वैसे ही मैं प्रीचिंग करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मुझे गोवर्धन की परिक्रमा में ले चलो। ये शरीर आपका चल नहीं रहा है, कैसे करेंगे? तो हम बैलगाड़ी से करेंगे। बैलगाड़ी पर भी शरीर चलने लायक नहीं था, फिर भी प्रभुपाद जी आग्रह करते थे। तो उनको एक बार भक्त लोग ले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड ले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब और तबीयत खराब हुई प्रभुपाद जी की, तो उन्होंने कहा मुझे वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले चलो। मैं चाहता हूँ कि मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूँ, वृंदावन में शरीर छोड़। तो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण उनको सुविधा दिए वृंदावन में आकर के और शरीर छोड़। तो भक्त तो चाहते हैं कि भगवान से जिस धाम का, जिस भूमि का संपर्क है वहाँ शरीर छूटे। और काल, काल जैसे कार्तिक है या और भी बहुत से पुण्य समय होते हैं, उसमें वो छोड़ना चाहता है। तो भीष्म पितामह भी चाहते थे कि कुरुक्षेत्र में, इस धर्म भूमि में उनका शरीर जाए, शरीर छोड़े। उनको विश्वास था कि इस भूमि में शरीर छोड़ने पर उनको भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का चरण कमल मिलेगा। केवल भीष्म को ही नहीं, ये तो भक्त थे, इस धर्म क्षेत्र में जिन्होंने शरीर त्यागा महाभारत युद्ध में, सब भगवान के धाम जा रहे थे। और इतना ही नहीं, आगे भी कहा गया है कोई भी भगवान व्यक्ति जो यहाँ शरीर छोड़ेगा उसको भगवान कृष्ण का धाम मिलता है, ये स्पष्ट बात कही गई है। तो भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में थे और उत्तरायण का समय भी आ गया था, और उत्तरीय धारण किए हुए श्री कृष्ण भी वहाँ बैठे थे, भगवान बैठे थे। अब इससे अच्छा काल, देश और स्थिति क्या होगी? तो धर्म पर प्रवचन करते करते जब उत्तरायण पहुंचा और भगवान कृष्ण वहाँ विद्यमान थे, तो उन्हें शरीर छोड़ने का उत्साह हुआ। तदोपसंहृत्य गिरह सहस्रणीर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलित दृग्व्यधारयत। जब यह समय आया और भगवान कृष्ण साथ में बैठे थे वहाँ, तब भीष्म पितामह अपनी बिखरी हुई वाणी को चारों तरफ से समेट लिए। जो नाना धर्मों पर प्रवचन कर रहे थे वाणी से, अब वाणी को उन्होंने समेट लिया। समेटने का मतलब है कि वे चुप हो गए, अब अन्य बातों का वर्णन बंद कर दिए। और वैसे भी ये सहस्रणी हैं, हजारों महारथियों के साथ युद्ध करते थे, सबके सेनापति थे, कौरव पक्ष के 10 दिन सेनापति रहे। तो बड़ी भारी सेना को कमांड में रखना, कमांडर कहते भी हैं, अपने अधीन रखना, उसको सहस्रणी कहते हैं। तो जैसे भीष्म पितामह युद्ध में सैनिकों को अपने वश में रखते थे, कमांड करते थे, इसी तरह से वे शास्त्रों के प्रवचन पर भी अपनी वाणी को कमांड में ला दिए। वाणी जो बिखरी थी उसको समेट लिए। और इनका मन तो मुक्त था ही, अपने विमुक्त मन को चारों संसार से, सभी दृश्यों से और सभी बातों से अपने मन को मुक्त करके कृष्ण में लगा दिए। कैसे कृष्ण हैं? आदि पुरुषे लसत पीठ पटे चतुर्भुजे पुरस्थित है। श्री कृष्ण परम सुंदर हैं, परब्रह्म भगवान में, आदि पुरुष में, जिन्होंने जगत को पैदा किया है महत्सृष्टा पुरुष के रूप में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में उन्होंने चित्त लगा दिया। और कृष्ण कैसे हैं? लसत पीत पटे, जिनका पीताम्बर फहरा रहा था, पीताम्बर बहुत सुंदर लग रहा था। भगवान सांवले हैं और सांवले शरीर पर पीत वर्ण का, स्वर्ण वर्ण का कपड़ा शोभा दे रहा था, और चतुर्भुज, और श्री कृष्ण चार भुजाओं से युक्त थे, पूरा स्थित है। और भीष्म पितामह के सामने खड़े थे, सामने पूरा मतलब सामने स्थित है, श्री कृष्ण बिल्कुल सामने निकट में खड़े थे। श्री कृष्ण भी चाहते थे कि पितामह भर आँख हमको देख लें, इनकी जितनी इच्छा हो ये तृप्त हो जाए, देख लें। तो श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हुए आनंद से पीत वस्त्र धारण किए हुए
वहाँ खड़े थे, ऐसे श्री कृष्ण में मन लगाया और आंख लगाया भीष्म पितामह ने, और मिलित दृक् व्यधा रहे थे, श्री कृष्ण को मन में धारण कर देख रहे थे और देख करके मन में फिर स्मरण करते थे, फिर देखते थे, देख कर फिर मन में देखते थे, बाहर भी देख रहे थे और पलक नेत्रों से, आंख बंद नहीं कि खोले खोले नेत्र से देख रहे थे श्री कृष्ण को। इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण में अपने मन को लगाया, अपने अपने नेत्र को और अब वाणी को लगाया, वाणी से श्री कृष्ण का वर्णन करने लगे। विशुद्धया धारणया हता शुभा तदीक्षयैवा सुगता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टा वजन्यम विसृजन जनार्दनम। विशुद्ध धारणा के कारण इनका सारा अशुभ नष्ट हो चुका था और भगवान के दृष्टिपात से ही इनके शरीर का शरीर की पीड़ा चली गई थी, दर्द नहीं था। समस्त इंद्रियों का जो विभ्रम है, इधर उधर जाना उन्होंने रोक लिया, अब कोई भी इंद्रिया विषयों में नहीं जा रही थी, वाणी से न बोलना, न मन में कुछ सोचना, न आँख से देखना, न कान से सुनना, सारी इंद्रियां बस भगवान में लग गई और भगवान का गुण गाते हुए शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार भगवान का वर्णन करने लगे, मतलब गुण गा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कथा को विश्राम दे रहे हैं, भीष्म पितामह अब स्तुति करना चालू करेंगे। किस स्थिति में हैं और मिलित दिग्वेधारयत, भगवान में मन लगाए और अपने नेत्रों को लगाए और वाणी से कृष्ण का गुण गाते हुए शरीर छोड़ेंगे, ऐसा सूत जी वर्णन करते हैं। जन्यम का अर्थ होता है देह, जिसका जन्म होता है वो है जन्य। देह को छोड़ते समय भीष्म पितामह कृष्ण में अपना मन लगाए, अपने आँखों को स्थिर किए और अपने वाणी पर उनका गुण गा रहे हैं। इस तरह से भीष्म पितामह की एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति है। तो तीन दिन भीष्म पितामह के स्तुति का भाव कहा जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव जाति के इतिहास में इतना लंबा और सुंदर प्रवचन किसी का नहीं है, इतना दीर्घ कई अध्यायों में प्रवचन है। तो भीष्म पितामह की विशेषता क्या है कि वे कृष्ण के भक्त हैं, अनन्य भक्त है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। भले विपक्ष से लड़े, कहीं कुछ किए, लेकिन वो तत्वतः कृष्ण के भक्त थे। तो एक महान पुरुष का उद्गार कृष्ण के विषय में व्यक्त हो रहा है, वे जीवन में क्या पुरुषार्थ मानते हैं, क्या सिद्धि मानते हैं, जीवन की सफलता किसमें मानते हैं, कृष्ण क्या हैं, कृष्ण में उनका कितना अनुराग है, इन्हीं बातों की अभिव्यक्ति उनके स्तुति में होगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। भीष्म पितामह से बड़ा और सुंदर और दीर्घ प्रवचन किसी का नहीं है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हो गया तो वो जीरो ग्राउंड बन गया। अब जीरो ग्राउंड बनने का मतलब है कि सैकड़ों हजारों साल तक वहां कुछ भी नहीं बना। तो आप ये समझिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध हुआ और वो छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, तो युगों युगों तक यहाँ जीवन नहीं होता, युगों युगों तक यहाँ कोई प्राणी नहीं दिखता। लेकिन ये भीष्म पितामह की कृपा है कि उन्होंने इतने सुंदर ज्ञान के उपदेश से इस धरती को सिंचित किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमें भी ये विश्वास है कि पूज्य गुरु महाराज जब तक इस धरती पर आते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में सभ्यता, भक्ति और संस्कृति बढ़ती रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है और आप भी यही कामना करिए। तब तक हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष परम श्रद्धे श्रीमान साक्षी गोपाल प्रभु जी हैं, 20 वर्षों से बहुत संघर्ष किया, जैसे पांडवों ने संघर्ष किया था और संघर्ष किया तो विजय प्राप्त की, प्रभु जी ने जीवन में संघर्ष किया
और आज पंजाब और हरियाणा में जो अद्भुत प्रचार चल रहा है, वैसे पंजाब में प्रचार बहुत कठिन है, अमेरिका में प्रचार कठिन था, प्रभुपाद जी ने किया। मैं तो कहता हूँ अमेरिका में प्रचार करने से भी ज्यादा पंजाब में प्रचार बड़ा कठिन है, हरियाणा में बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ की धरती में बहुत धन है, वैभव है। अब जिसके पास धन और वैभव हो, नियमों से कैसे बंधेगा? फिर भी प्रभु जी बात रहे सब, मैं लोगों के दर्शन प्यार करा। प्याज लहसुन पंजाब में लोग छोड़ना नहीं पसंद करते, तो साक्षी गोपाल प्रभु जी का भी बहुत आभार है। विशेष करके मैं कुछ नाम लूंगा आज, एक तो आपसे ये प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों से, कहीं नाटक हो रहा हो और नाटक में आप इंटरवल के समय जाएं, या नाटक जब खत्म होने वाला हो तब आप जाएं, उसका क्या फायदा है? आप नाटक में कब जाते हो? शुरू से देखेंगे, शुरू से नाटक देखेंगे। तो कथा में आप शुरू से क्यों नहीं आते हैं? कथा में आप आते हैं इंटरवल के समय। सबसे प्रार्थना करते हैं कि कथा में आप यहाँ 5:30 बजे तक आ जाए, तब भजन चलते हैं, चंद्रिका प्रभु जी गाते हैं, ये आपसे सबसे प्रार्थना है। आज का जो प्रसाद है, इसकी जो सेवा कर रहे हैं श्रीमान राजेंद्र वर्मा जी, राकेश वर्मा जी चंडीगढ़ से। राकेश वर्मा जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया मंच पर आए और महाराज जी से प्रसाद और आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान राकेश वर्मा जी चंडीगढ़ से। इसके अलावा इस कथा में जो बहुत सहयोग कर रहे हैं, ऐसे 3 नाम मेरे पास हैं जो तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और वास्तव में जिनके लिए बहुत अच्छा मुझे कहा गया है, श्रीमान लाला चरण और उनके भाई राजेश वर्मा जी। कर्तव्य ध्वनि से थोड़ा अभिनंदन करें, बहुत अच्छा प्रसाद बना है, जब आप दर्शन करेंगे तो आपको और हर्ष होगा। श्रीमान लाला चरण दास जी, सुरेंद्र सेनेटरी वाले, श्रीमान ब्रजमोहन गुप्ता जी और श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, इनकी भी बहुत ही सेवा है और हमेशा ही उपस्थित रहते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं, इन सभी से प्रार्थना मंच पर आए। इसके अलावा हरे कृष्णा प्रचार केंद्र जमुना नगर से भक्त आए हैं, उनका मैं नाम लेता हूँ, जिनका नाम ले रहा हूँ वो भी मंच पर आए प्रसाद ग्रहण करें। श्रीमान रसकृष्ण दास प्रभु जी, श्रीमान अनाथ बंधु दास प्रभु जी, रामकृष्ण दास प्रभु जी, अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर जी आर सैनी, पी के मेहंदी दत्ता, कमलेश गौतम माता जी, राकेश कपूर जी, नवीन विनायक जी, मुकेश दावड़ा जी, राजकुमार जी और नवीन मित्तल जी, ये जो नाम मैं पुकार रहा हूँ इनसे प्रार्थना है मंच पर आए प्रसाद ग्रहण करें। श्रीमान रसकृष्ण दास जी, अनाथ बंधु दास जी, रामकृष्ण दास प्रभु जी, अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर जी आर सैनी, पी के मेहंदी दत्ता, सभी हरि कृष्णा प्रचार के यमुना नगर से आए हैं। कमलेश गौतम माता जी, नवीन विनायक जी, राकेश कपूर जी, मुकेश गाबड़ा जी, राजकुमार जी और नवीन मित्तल जी, कृपया मंच पर। नवीन मित्तल आपसे ये प्रार्थना है, ये जो आपके पास पुस्तिका है लाल रंग की पुस्तिका, ये घर ना लेकर जाएं, घर लेकर जाते हैं घर में छोड़ आते हैं, वापिस लेकर नहीं आते हैं, इतनी पुस्तिका यहाँ नहीं है। सभी से प्रार्थना है अपनी पुस्तक यहाँ मंच पर जमा करा दें, कुछ लोग इसको जमा कर लें और मंच पर रख दें। कमलेश माता जी आ जाए, शायद वो इस नाम से नहीं आ रही है, उनका नाम है कौशला माता जी, कौशला देवी दासी माता जी, अब मुझे लगता है माता जी आएंगे। आरती के बाद ही सब लोग जाएंगे,
आरती के पश्चात प्रसाद ग्रहण करें, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। साक्षी गोपाल नवनी से प्रार्थना है, वो आरती के पश्चात 10 मिनट के लिए कीर्तन कराएंगे। बाकी मैंने कुरुक्षेत्र में इतना अनुशासन देखा है, हम बंबई भी जाते हैं, कई कथाओं में जाना होता है, कुरुक्षेत्र में भक्त लोग कथा के बाद भी उठते नहीं है। बंबई में तो एकदम प्रसाद के लिए सब भागते हैं, तो यहाँ सब लोग पंजाब में कहते रजे हुए। जाते हुए और जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो आरती में आ जाए, श्रीमान लाला चरणदास जी, श्रीमान ब्रजमोहन गुप्ता जी, राजेंद्र सिकरी जी, ये सभी आरती में शामिल हों।